हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने लेफ्ट ओवर फैब्रिक से ब्यूटीफुल सा कोल्ड शोल्डर ड्रेस रेडी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 1 मीटर का कपड़ा है। इसे मैंने हाफ में फोल्ड किया है, दोबारा मैं इसे हाफ में फोल्ड कर लूँगी, जिससे हमारे पास 4 लेयर्स मिल जाएंगे यहाँ पर। अब जहाँ पर हमारा फोल्डेड साइड है, वहाँ पर हम हमारी कुर्ती को फोल्ड करते हुए प्लेस कर लेंगे। अब 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं साइड की मार्किंग कर लूँगी। सो यहाँ मैंने साइड की मार्किंग्स कर लिया है। हमें आर्म होल के नीचे से मार्किंग करनी होगी, हमें आर्म होल की मार्किंग नहीं ट्रेस करना होगा। अब ऊपर की तरफ फोल्डेड साइड से हम 4 इंचेस पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। अब आर्म होल से इस पॉइंट को हमें मीट करना होगा एक स्लैंट शेप देते हुए। सो यहाँ मैंने इसे कर लिया है। अब ऊपर से हम मेजर कर लेंगे कितना लॉन्ग हमें टॉप चाहिए। सो यहाँ मुझे चाहिए था 34 इंचेस का, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी फॉर हेमिंग एंड 35 इंचेस पे मैं पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। अब इन सारी मार्किंग्स को हम कट कर लेंगे। सो यह हमने कट कर लिया है। ओपन करने के बाद इस तरह दिखेगा। इसे साइड में रख लेंगे। बचे हुए फैब्रिक से हम रफ़ल क्रिएट करेंगे, तो इसे सबसे पहले हम अच्छे से ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद हमें रफ़ल की लेंथ होनी चाहिए 11 इंचेस। सो 11 इंचेस का फैब्रिक लेंगे हम, एंड ब्रेथ भी हम सेम 11 इंचेस का लेंगे, सो दैट हमारा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो 11th इंच पर हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरीके से जो भी एक्सेस फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। रफ़ल क्रिएट करने के लिए ऊपर से मैं 4 इंचेस तक इस तरह का पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी एंड इसे मीट कर लूँगी। अब अगेन ऊपर से मैं बॉटम तक 11 इंचेस पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लूँगी एंड इन सारे पॉइंट्स को मैं जॉइंट करूँगी। सो कटिंग करने के बाद जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उससे भी हम ये सेम रफ़ल क्रिएट करेंगे। सो रफ़ल क्रिएट करने के बाद हम इसके बॉटम एज को हेम कर लेंगे। सो यहाँ मैंने बॉटम पे हेमिंग कर लिया है। अब इसे हम हमारे फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले से फर्स्ट लेयर फैब्रिक का हम लेंगे एंड इसके ऊपर इस तरीके से आर्म होल्स पे हम अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसे प्लेस करेंगे, ऑयल पिन से इसे अच्छे से इसके प्लेस पे सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के बाद हमें 1/2 इंच फैब्रिक अंदर की ओर लेना होगा ताकि इसके रॉ एजेस हम अच्छे से हेम कर ले एंड इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे ऊपर से स्टिचिंग्स देते हुए। हमारा रफ़ल एंड हमारे ऊपर का टॉप राइट साइड फेसिंग अपवर्ड होना चाहिए। सो यहाँ हमें इस तरीके से ऑल ओवर स्टिचिंग्स देना होगा एंड जो भी बचा हुआ फैब्रिक है साइड में उसे भी 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे एंड स्टिच करेंगे। सो यहाँ हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब जो दूसरा लेयर था हमारे फैब्रिक का, उसके भी ऊपर के एजेस हम हेम कर लेंगे एंड इसे इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे। उल्टा तरफ ऊपर की ओर होना चाहिए। अब आर्म होल की एंड पॉइंट से बॉटम तक हम स्टिचिंग्स दे देंगे। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की ओर ट्रांसफ़र कर लेंगे एंड साइड की स्टिचिंग्स दे देंगे। सो ये हमने साइड की स्टिच कर लिया है। अब स्लीव्स के लिए हम हमारे जो भी बचा हुआ फैब्रिक है उसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे एंड बैक फैब्रिक पे स्टिचिंग्स दे देंगे। सो स्लीव्स अटैच करने के बाद अब इस तरीके की हमें डोरी चाहिए होगी, तो ऊपर की तरफ हम डोरी अटैच कर लेंगे। हम मेजर कर लेंगे हमारा कितना लॉन्ग चाहिए, उसी हिसाब से हम इन स्ट्रैप्स को अटैच करेंगे। सो स्ट्रैप्स अटैच करने के बाद हमारा टॉप पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा।
सो गाइज ये रहा मेरा आज का दिया हुआ है। आई रियली होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द